अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ शुरू हो गई है और रमज़ान भी शुरू हो रहा है, इसलिए अम्मा जी लेकर आई हैं पान का सिरप। बहुत टेस्टी बनता है ये और रमज़ान के लिए और गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। हमने 10 से 15 पत्ते ले लिए हैं पान के, इलायची 7 से 8, सौंफ हमने भिगो कर रख दिया था और हम वो यूज़ करेंगे। हमने गुलकंद ले लिया है एक बोल में और खोपरा ले लिया है ग्रेटेड, मीन्स खुरचा हुआ। अगर आपके पास पाउडर हो सौंफ का तो वो बहुत अच्छी बात है, और हमारे पास नहीं था। और आपके पास अगर ग्रेटेड ना हो और पाउडर हो खोपरे का, वो भी बहुत अच्छी बात है। आपको मिक्सी में डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगी। हम थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें मिक्सी में डाल देंगे, ग्राइंडर में अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर, और एक पॉट में हम उसे ट्रांसफ़र करके रख देंगे। हमें पार्ट्स में सारी चीज़ों को ग्रेट करना है। और अगर आपके पास खोपरा का पाउडर हुआ तो आपको बिल्कुल भी उसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे पॉट में डाल दो, क्योंकि आगे हम इसे पकाने वाले हैं। हमारे पास पाउडर नहीं था, इस वजह से हमने ग्रेटेड लिया है, और सौंफ का भी पाउडर नहीं था तो हमने अक्खी सौंफ ली है। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप डायरेक्टली पॉट में डाल दीजिए। हम सारी चीज़ें डाल दिए हैं ग्राइंड करके अच्छे से पेस्ट बना के, और हमने डाल दिए हैं 1/2 लीटर जितना पानी। आपको मेजरमेंट बराबर रखना है, जितना पानी हो उससे डबल आपको शक्कर यूज़ करना है। हमने 1/2 लीटर पानी डाला है तो हम 1 किलो शक्कर यूज़ करेंगे। हमने 1 किलो शक्कर डाल दी, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया हमने। अब हम उसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे। जैसे ही बॉईल आ जाए आपको स्लो कर देना है, लगभग 15 मिनट तक पकाना है, और छलनी से आपको छान लेना है अच्छे से उसे, उसका जो पूरा रस है हमें निकाल लेना है। जैसे ही अम्मा जी कर रही हैं आप देख सकते हो, और ये देखिए सिरप रेडी हो गया है। आपको हाफ लेमन स्क्वीज़ करना है ताकि वो कैरेमलाइज ना हो। और अब हम इसे सर्व करते हैं। आपको एकदम ग्रीन कलर ही मिलेगा, बट और अगर आपको बाज़ार के जैसा ग्रीन कलर चाहिए तो आप हाफ टी स्पून जितना ग्रीन कलर ऐड कर दीजिए उसमें, और अच्छे से मिला लीजिए। अब हम सर्व करेंगे। आइस डालेंगे, आप दो टाइप से बना सकते हो, दूध से भी और पानी से भी, हम दोनों आपको बनाकर बताएंगे। आइस डाल देंगे हम, उसके बाद हम सिरप डाल देंगे जितना ज़रूरत हो। सिरप डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ा, बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए सब्ज़ा भी। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी, जितना ज़रूरत हो उतना पानी, चम्मच से उसे हिलाइए, बहुत टेस्टी बनता है। अब हम बनाएंगे दूध का। अब आइस डाल दीजिए, इसमें जाएगा गुलकंद जो भी बहुत ठंडक देगा गर्मी में। हम सिरप डाल देंगे, सिरप डालने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे दूध। दूध डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 टीस्पून जितना गुलकंद, और गुलकंद के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इसे गार्निश कर देंगे। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा है। आपको जो मैंने टिप्स दिया है वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी सारी चीज़ें लिख लूँगी। बहुत टेस्टी है, रमज़ान में ज़रूर बना के रखिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए अल्लाह हाफिज़।